प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों अपने कर रहे थे नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव का मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों उदाहरण लिए थे और आपको नेगेटिव बनाने बताए थे। आज मैं पास्ट के चारों लेता हूं। देखो पास्ट में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर होता है पास्ट इंडेफिनाइट, क्या होता है पास्ट इंडेफिनाइट, फिर होता है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फिर होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चार टेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट और यह होती है सेकंड फॉर्म, कोई एपिग्राम नहीं होती। यह सब्जेक्ट, यह है ऑब्जेक्ट और यह वाद, वाद और वर्ब, वाद और वर्ब और प्लस वर्ब का आईएनजी वाला, ठीक है। यहां सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और यह हेड और थर्ड फॉर्म, यह सब्जेक्ट और यह ऑब्जेक्ट और हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला। ये देखो स्ट्रक्चर होता है आपके बनाने का, यह स्ट्रक्चर है। इससे अब अपने सेंटेंस बनाते हैं। पहले तो देखो इससे सेंटेंस कैसे पास्ट इंडेफिनाइट से कैसे बनता है। जैसे मैं यह यू, यू आपका सब्जेक्ट ले रहा हूं, यू वर्ब ड्रिंक डी आर आई एन के ड्रिंक और ऑब्जेक्ट मिल्क एम आई एन के मिल्क, ये हो गया। इससे पहले तो अपने बनाते हैं सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट यू, यू सेकंड फॉर्म, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्या होती है यहां ए हो जाता है, थर्ड क्या हो जाती है यहां यू हो जाता है। तो सेकंड फॉर्म यू ड्रिंक डी आर ए हो गया, इसमें आई है यहां ए हो गया डी आर ए एन के, यह सेकंड फॉर्म हो ड्रिंक, यू ड्रिंक मिल्क, यू ड्रिंक मिल्क। देखो क्या अर्थ हुआ, यू का इस टेंस में ही का उसने, सी का उसने, दे का उन्होंने, आई का मैंने, ने लग जाता है और वी का हमने और यू का तुमने, क्या हुआ ने लग जाता तुमने, तुमने और ऑब्जेक्ट क्या है मिल्क दूध, तुमने दूध और पिया, तुमने दूध पिया, ये क्या हिंदी अर्थ हो गया। देखो इसका तुमने दूध पिया, इसको देखो यू, यू और यू एकवचन के साथ वाद, बहुवचन के साथ वर, तो ये यू बहुवचन है, यू वर, यू वर, यू वर ड्रिंक, ड्रिंक का आई एनजी लगा दो, लास्ट में तो नहीं है ना, ई होता तो हट जाता, ड्रिंक ड्रिंकिंग, यू वर ड्रिंकिंग, यू वर ड्रिंकिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है आई एनजी, फर्स्ट फॉर्म है ना, यू आर ड्रिंकिंग क्या मिल्क, यू वर ड्रिंकिंग मिल्क। अब क्या हो गया, यू उसमें लगता है तुमने, इसमें तुम, यू यानी तुम, तुम ऑब्जेक्ट क्या है मिल्क, तुम दूध ड्रिंक
पीकर बिना पी रहे थे, पी रहे थे। रहे थे तुम दूध पी रहे थे, हो गया। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, यू हेड, यू हेड, और थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, पहली फॉर्म आई, दूसरी में ए, तीसरे में यू, यू हेड ड्रंक, डी आर यू एन के, यू हैव ड्रंक मिल्क, मिल्क, यू हैव ड्रंक मिल्क। तो क्या हुआ, यू का मतलब तुम, तुम ऑब्जेक्ट, मिल्क तुम दूध, तुम दूध पी चुके थे, तुम दूध पी चुके थे। तुम दूध पी चुके थे यार। अब देखो इसमें सब्जेक्ट यू, हेड, यू हेड बीन, और वर्क आएंगी फर्स्ट फॉर्म के साथ ड्रिंकिंग, यू हैड बीन ड्रिंकिंग, ऑब्जेक्ट मिल्क, इसमें टाइम होता है कोरिया सिंस, जैसे मैं इसका सिंस है, सिंस सिंस 7 o'clock COCK टाइम, या तो फोर से या सिंस से। तो यू हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस सिंस 7 o'clock, 7 बजे से। तो क्या हो गया, पहले तो सब्जेक्ट इसमें यू यानी तुम, तुम ऑब्जेक्ट क्या दूध, तुम दूध 7 बजे से पी रहे थे, पी रहे थे। तो ये आपके चार वाक्य बने और ये का अर्थ। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसे अपने पर्सन वाचक बनाया था, पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले रहे थे और आखिर में पर्सन वाचक चिन्ह लगा रहे थे, और इसमें जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लगा दो, ये पहली हेल्पिंग वर्ब या नोट, ये पहली हेल्पिंग वर्ब या नोट, ये पहली हेल्पिंग वर्ब या नोट, इसमें पर्सन वाचक नहीं लगेगी। तो ठीक है, मगर जिनके है नहीं उनके आपको उधार लेनी पड़ेगी। तो पास्ट इंडेफिनिट आपको उधार क्या देते हैं, डिड। तो क्या करो, यू यू, अब आपको यहां लगाया पहले हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो उधार लेनी पड़ेगी फिर। तो पास्ट इंडेफिनिट में किसको उधार लेते हैं, यू डिड, डिड को, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज को और डू को, पास्ट इंडेफिनिट में लेते हैं डिड को, डिड, और इसके बाद में नोट लगा दो, नोट, और फिर मेन वर्ब। मगर डिड आती है या सेकंड फॉर्म होते हैं पर्सन वाचक में, फर्स्ट फॉर्म होता है यह भी फर्स्ट हो जाएगा, यू डिड नॉट ड्रिंक हो जाएगा थर्ड सेकंड फॉर्म आ ड्रिंक, ये बात ध्यान से देख लेना। क्या ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हेल्पिंग वर्ब उधार ली, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट उधार क्या लेते हैं, डिड, डिड ले लिया उधार ले लिया, उसके बाद में नोट लगा दिया,
मगर यार डिड आती है आपकी तो सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म हो गई। यू डिड नॉट ड्रिंक नहीं, उसमें तो आपने प्रश्नवाचक लगा था, इसमें प्रश्नवाचक नहीं लगाया। अरे उसमें तुमने दूध पिया, अरे इसमें होगा तुमने दूध नहीं पिया। इस टेंस में तुमसे तुमने हो जाता, तुमने दूध नहीं पिया, तुमने दूध नहीं पिया, ये हो गया। ऐसे इसमें तो सीधा है, इसमें तो यहां नोट लगा दो, कोई जरूरत नहीं है। यू वेर नोट लगा दो, केवल कुछ ही नहीं करना। नोट ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंकिंग तो तुम दूध पी रहे थे, तुम दूध नहीं पी रहे थे, तुम दूध नहीं पी रहे थे, हो गया। अब देखो इसमें भी एलपी कर पाए तो एलपी पर एलपी को आपने नोट लगा दो। यू हेड नोट, नोट आ गया ड्रंक, डी आर यू एन के, केवल नोट आपके वो सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हुई है डिड वाली और में वो है वैसे रहता है। यू हेड नोट ड्रंक, तो तुम दूध पी चुके थे, तुम दूध नहीं पी चुके थे, तुम दूध नहीं पी चुके थे, हो गया। ये देखो इसका देखो, इसमें यह लग जाएगा तो यू हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क, सेवन ओ क्लॉक, तुम दूध 7 बजे से पी रहे थे, तुम दूध 7 बजे से नहीं पी रहे थे, तुम दूध 7 बजे से नहीं पी रहे थे, नहीं पी रहे थे। तो बच्चों देखो आपके इस ढंग से पहले तो आपके सेंटेंस बनाए, आपके टेंस के हिसाब से सेंटेंस बनाए, टेंस के हिसाब से सेंटेंस बनने के बाद में उनके सबके नेगेटिव हुए, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिव हुए किस कौन से टेंस के, पास्ट टेंस के। अब अपने फ्यूचर टेंस के नेगेटिव बनाते हैं, फ्यूचर टेंस के नेगेटिव बनाते हैं, देखो तो अपने फ्यूचर टेंस को लेंगे, ठीक है। अब की बात फ्यूचर टेंस में अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं,
ठीक है, क्या नया सब्जेक्ट बोलो, सब्जेक्ट अपने ले लेते हैं वह है शी। तो चलो पहले तो अपने चौकड़ी बनाते हैं, फ्यूचर टेंस की चौकड़ी बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और यह क्या होता है, शेल या वी, या तो शेल या फिर वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और या तो शेल, इन सब में शेल विल होता है ना, शेल विल प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी वाला। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और इसमें ऑब्जेक्ट और इसमें शेल या विल प्लस हैव प्लस थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें शेल या विल दोनों में से एक प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी वाला हो गया, तो यह आपके चौकड़ी बनके तैयार होगी। हो गई, इनसे पहले तो अपने सेंटेंस बनाएंगे। अब मैं सब्जेक्ट आपको कह रहा हूं सी, क्या ही कर ले, चलो अपने मोहन करते हैं, मोहन हमेशा अपने प्रोनाउन लेते हैं, आपकी बार नाउन ले लिए, और वो नाउन कौन सी, मोहन है, कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर्ब लेते हैं अपने वाई बी यू वाई, बी यू वाई बाय एंड खरीदना, और पोते लेते हैं एक कार एक गाड़ी, एक कार या एक गाड़ी। तो देखो ये आपकी वर्ब है, इसकी तीन फॉर्म क्या होती है, बाई बोट बोट, बाई बोट बोट। तो देखो अपने पहले इसका सेंटेंस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन मोहन के साथ क्या आएगा, आई और वी के साथ में शेल आता है, औसत के साथ में मिलाता है, तो आई आर आई और वी तो नहीं है ना, तो फिर क्या आएगा, विल, मोहन विल, मोहन विल फर्स्ट फॉर वाई, मोहन विल वाई एक कार, मोहन विल बाई एक कार। क्या अर्थ हुआ, मोहन, मोहन का मोहन ही है सब्जेक्ट, मोहन ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार एक गाड़ी, मोहन एक गाड़ी ऑब्जेक्ट एक गाड़ी हो गया, मोहन एक गाड़ी खरीदना, भाई यानी खरीदना, खरीदेगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट में यही होता है ना, मोहन एक गाड़ी खरीदेगा, मोहन एक गाड़ी खरीदेगा, खरीदना खरीदेगा, मोहन एक गाड़ी खरीदेगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होता तो क्या होता, मोहन एक गाड़ी खरीदता है, मोहन एक गाड़ी खरीद रहा है, मोहन एक गाड़ी खरीद चुका है, मोहन एक गाड़ी दो घंटे से खरीद रहा है। पास्ट में क्या होता,
मोन मोन ने मोन का मोन ने ए गाड़ी खरीदी, मोन ए गाड़ी खरीद रहा था, मोन ए गाड़ी खरीद चुका था, मोन ए गाड़ी 2 घंटे से खरीद रहा था। फ्यूचर में क्या होगा? मोन ए गाड़ी खरीदेगा, मोन ए गाड़ी खरीद रहा होगा, मोन ए गाड़ी खरीद चुका होगा, मोन ए गाड़ी 2 घंटे से खरीद रहा होगा। तो ये देखो इसे बनाओगे मोहन सब्जेक्ट, मोहन मोहन के साथ क्या विल, आई और बी के साथ सेल होता और बाकी के साथ विल, मोहन विल, मोहन विल बी, मोहन विल बी, आई एन जी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, बाइंग बी यू वाई आई एन जी, मोहन विल बाइंग ए कार, मोहन विल बाइंग ए कार। देखो क्या हो गया, सब्जेक्ट मोहन, मोहन ऑब्जेक्ट एक गाड़ी, एक गाड़ी, मोहन एक गाड़ी खरीद रहा होगा, खरीद रहा होगा, मोहन एक गाड़ी खरीद रहा होगा। हो गया ना, यह आपका इंडियन। आगे लो इसे बनाओ, सब्जेक्ट मोहन, मोहन मोहन के साथ क्या, आई और बी के साथ में शेर और बाकी साथ विल, मोहन विल, मोहन विल हैव, हैव बाइक की थर्ड फॉर्म बोट, सेकंड थर्ड एक सी होती है बोट, बी ओ यू जी एच टी, मोहन विल हैव बोट ए कार। क्या हुआ, मोहन, मोहन सब्जेक्ट मोहन ऑब्जेक्ट एक गाड़ी, एक गाड़ी खरीद चुका होगा, खरीद खरीद चुका होगा, मोहन एक गाड़ी खरीद चुका होगा, मोहन एक गाड़ी खरीद चुका होगा। इसमें देखो, इसमें मैंने कहा था आपको, इसमें जैसे फोर और सिंस में फोर लेने कह रहा हूं, फोर फोर टू टाइम होता है इसमें आवर्स 2 घंटे से। बनाओ सेंटेंस, सब्जेक्ट मोहन, मोहन के साथ आई और बी के साथ में सेल और बाकी साथ में विल, तो मोहन के साथ विल, मोहन विल हैव बीन और वर्क का आई एन जी वाला बाइंग, बाइंग ऑब्जेक्ट ए कार, ए कार। अरे भाई समय फोर टू आउस, फोर टू आवर्स तो देखो। अब देखो इसको, देखो ये चारों सेंटेंस हो गए, इसका अर्थ क्या हुआ, देखो मोहन ऑब्जेक्ट क्या है, एक गाड़ी, मोहन एक गाड़ी क्या, मोहन एक गाड़ी 2 घंटे से खरीद रहा होगा, खरीद रहा होगा। तो ये आपके चारों के सेंटेंस हो गए और इनके इंडियंस भी हो गए। अब अपने क्या करते हैं, इनमें नेगेटिव बनाना है, तो इनमें तो सब में हेल्पिंग वर्ब है,
के बाद में नोट लगाते जाओ, ये विली एलपी ग्रुप पर एलपी ग्रुप, इसके बाद में नोट, ये पर एलपी ग्रुप इसके बाद में नोट, ये पर एलपी ग्रुप इसके बाद में नोट, ये पर एलपी ग्रुप इसके बाद में नोट। अब इसमें दुकान लेने की जरूरत नहीं है, तो देखो बनाओ, देखे मोहन मोहन विल नोट बाय ए कार, मोहन विल नोट बाय ए कार। अर्थ क्या हो गया, ये तो था मोहन एक गाड़ी खरीदेगा और मोहन एक गाड़ी नहीं खरीदेगा, नेगेटिव हो गया ना। मोहन एक गाड़ी, मोहन एक गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो तो था खरीदेगा, नेगेटिव हो गया नहीं खरीदेगा। मोहन एक गाड़ी नहीं खरीदेगा हो गया, तो ये आपका ये नेगेटिव हो गया। इसका देखो मोहन ये मोहन विल बी बाइंग ए कार, मोहन एक गाड़ी खरीद रहा होगा, और इसमें नोट लगाओ पहले तो मोहन विल नोट नोट बी बाइंग ए कार, ए कार। देखो मोहन ए गाड़ी खरीद रहा होगा, मोहन ए गाड़ी नहीं खरीद रहा होगा, मोहन मोहन एक गाड़ी नहीं खरीद रहा होगा, मोहन एक गाड़ी नहीं खरीद रहा होगा, हो गया। अब देखो इसका देखो यह नोट लगा दो, मोहन विल नोट हैव बोट, मोहन विल नोट हैव बोट ए कार। तो देखो मोहन ए गाड़ी खरीद चुका होगा, मोहन ए गाड़ी नहीं खरीद चुका होगा, मोहन एक गाड़ी नहीं खरीद चुका होगा, हो गया। मोहन एक गाड़ी नहीं खरीद चुका होगा, हो गया। अब इसका बनाओ, मोहन विल नोट लगा दो, मोहन विल नोट हैविंग हैविंग बाइंग बाइंग ए कार फॉर टू आवर्स फॉर टू आवर। तो क्या हो गया, मोहन एक गाड़ी 2 घंटे से खरीद रहा होगा, मोहन एक गाड़ी 2 घंटे से नहीं खरीद रहा होगा, मोहन ऑब्जेक्ट एक गाड़ी गाड़ी 2 घंटे से
दोस्तों देखो आपने देखा, सबसे पहले तो आपने सेंटेंस बनाए, कितने सेंटेंस, किसके फ्यूचर टेंस के, सभी के फ्यूचर टेंस के सभी के, पहले तो अपने चौकड़ी तैयार की, चौकड़ी में ये आपको याद है शायद चौकड़ी पूरी, देखो क्या होता है सबके सेल्विल, और उसमें फर्स्ट पर होते हैं, दूसरे में सेल्विल बी और वर्ब का एनजी वाला होता है, तीसरे में सेल्विल हेव और थर्ड फॉर्म होती है, चौथे में सेल्विल शैल या विल और हेव बिल और वर्ब का एनजी वाला, तो ये चौकड़ी का था फर्स्ट, पहले था सब्जेक्ट बाद में था ऑब्जेक्ट, इसे अपने एक एक वाक्य बनाए सबके, और उनके फिर जो पहली एलपी ग्रुप थी उसके बाद में सबको नोट लगा दी, ठीक है, ये नोट लगा दिया तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, याद करना इसको अच्छी तरह देखना, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, याद कर लोगे।